कैसे हो तुम? तुम्हें यहाँ डर नहीं लग रहा? चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बाजी, वो आज ना मैं घर थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी। क्यों? बाजी वो मेरी बच्ची बीमार है। अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हारी बच्ची ठीक हुई है, आज फिर बीमार हो गई। बाजी वो उस दिन 3 नंबर वाली बेटी बीमार थी, आज 5वें नंबर वाली बेटी बीमार है। डॉक्टर के पास लेके जाना है। स्कूल में बहुत मजा आएगा, ठीक है? हम वहाँ खूब मस्ती करेंगे, मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम दादी। चीजें वगैरह भी खाएंगे। वालेकुम सलाम। बहुत मजा आएगा। सलाम करो दादी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोफिया, 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 मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज मैंने ना बहुत बुरा ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब माँ? पानी दो अम्मी को। क्या हुआ अम्मा, बोले तो सही। ठीक है, चलोगी ना मेरे साथ? हम लोग बहुत मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, सब परेशान हो जाएंगे हम कितना मजा करते हैं। मलिया, तुमने होमवर्क किया? नहीं। लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे नहलाती हूँ। लाओ होमवर्क करो, तुम जाओ। नहीं इसे नहलाइएगा मत, इसे ठंड लग जाएगी। लाओ दो इसे मुझे और जाके होमवर्क करो। नहीं इसे ठंड लग जाएगी। नहीं छोड़ो मलिया, जाके होमवर्क करो। नहीं इसे दे मुझे। मलिया ये मैं मम्मा को बोल दूंगी। सोफिया गुड़िया को लेना। देख कर नहीं चल सकती हो, अब बच्ची नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो। अगर दादी को लग जाता तो। सॉरी अम्मी। अम्मी अम्मी आप ही को बोले मेरी डॉल दे। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी अम्मा? इन्हें बोले ना मेरी डॉल दे। नहीं मैं नहीं दूंगी। बाजी इसका पाँव कट गया। क्या क्या ये? देख के नहीं चलती हो। अम्मा मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ दे, मेरी डॉल दिला दे मुझे। क्या करती हो? देख कर नहीं करती हो कोई काम। वो मेरी गुड़िया को नहला देंगी, मुझे वो चाहिए। जो सुना था वही हो रहा है। हो ना हो बाजी, इस बच्ची में जान है। मैं जा रही हूँ। इतना खून बह रहा है बेटा, देख के नहीं चलती। हो ना हो, उस बच्ची पे जरूर भूत है। अरे काश उसको लेकिन जरा सा नजर। मैं तो जा रही हूँ। आज तू जल्दी फारिग हो गई। हाँ मैं तो जा रही हूँ। वो बच्ची है ना, उसके ऊपर ना भूत आ गया है। मेरा तो दम ही निकल गया था। क्या सच में ही? हाँ हाँ। अरे इतना बड़ा कांच उसके पाँव में घुस गया, इतना खून निकला है, लेकिन उसे जरा दर्द नहीं हुआ, ना चीखी ना चिल्लाई। का उस पे तो भूत आ गया है। यानी अब तू दोबारा उस घर में काम नहीं करेगी। तू फौरन कील की तरह ना झपट्टा मार लिया कर मेरी रोजी पर। मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ तो मत छोड़, मैं भी कौन सा मरे जा रही हूँ। तेरी बातें सुनकर तो मुझे डर लग रहा है, कहीं भूत मुझ पर भी ना आ जाए। वैसे भी खूबसूरत लड़कियों पर आशिक होता है। नाम रीमा रखने से तू तो अपने आप को मलका ही समझने लग गई। तू तो हमेशा ही मुझसे जलती रहेगी। ज्यादा फजूल वक्त नहीं है मेरे पास, घर को जाना है। वालेकुम सलाम। आसिफ, मैंने आपको मलिया की चोट के बारे में बताया था ना, वो आज तो कुछ ज्यादा ही हादसा हो गया कि वो कांच टूटा और उसके पाँव में लग गया और वो रोई भी नहीं, इतना खून निकला। पहले तो उसको देखकर मैं इस बात पर अहमियत नहीं देती थी, लेकिन अब मलिया को देखकर मुझे बहुत परेशानी होने लगी है। आसिफ बात तो सुने, आसिफ प्लीज, आसिफ बात तो सुने मेरी, प्लीज प्लीज। सोफिया, मुझे तुमसे ऐसी बातों की तवक्का बिल्कुल नहीं थी और तुम इतना फजूल क्यों सोच रही हो? मैं फजूल नहीं सोच रही हूँ आसिफ, मलिया मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ। मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अरे किसी को चोट लगे और उसे दर्द ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि उसे शीशा चुभई ना हो और ये तुम लोगों को वहम हो। ये वहम नहीं है, मैंने नहीं देखा, अम्मा ने भी तो देखा है ना। मुझे पता था ये इसी किस्म की कोई फजूल बात करेगा। तो अम्मी फिर मैं क्या कहूँ? बोले तुम कुछ मत कहो। पिछले एक महीने से मलिया के बारे में मैं बुरे बुरे ख्वाब देख रही हूँ। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसकी फिक्र हो या ना हो, लेकिन वो मेरी पोती है, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। अरे दुनियादारी में लग गए ना लोग, इसीलिए अल्लाह को भूल गए। ये मखलूकात हम पे जबी हावी हो रही है। फिर वही बात अम्मी, अगर मलिहा पर कुछ असरात होते तो दिन भर में तो कोई ऐसी हरकत करती जिससे इस बात का यकीन होता। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। अगर हम लोगों ने ख्वाबों को सच मानना शुरू कर दिया ना तो जिंदगी भर यूं ही परेशान रहेंगे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। देखा आपने अम्मी, तो दिल भी नहीं करता मैं कुछ खाने पीने को। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो, चाय पियो, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। बाजी, मुझे पता चल गया आपकी बेटी को क्या हुआ है। क्या मतलब क्या हुआ है? बाजी, वो आपकी बेटी पर आसेब है। अरे इतनी जोर से कांच चुभने पर हट्टे कट्टों की चीखें निकल जाती हैं। तभी मैं कहूँ मलिया को लेकर मुझे इतने डरावने डरावने ख्वाब क्यों आ रहे हैं? नहीं नहीं अम्मी, मेरी बच्ची पर जिन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अब मेरा मतलब है कि बच्चों पे आशिक हो जाता है जिन। मेरे पहलोटी के बच्चे पर भी जिन आशिक हो गया था। वो तो दीवारों में टकरे मारता था, अपने हाथ काट लेता था, लेकिन मजाले जो उसे जरा सा भी दर्द होता हो। सोफिया, शन्नो बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फिर क्या करें अम्मा? मैं एक बाबा को जानती हूँ, अजमल बाबा। पुश्तों से वो जिनका उतारा करते हुए आ रहे हैं। मेरी बेटे का भी उतारा उन्हीं के अब्बा ने किया था। तुम फौरन वक्त जाया किए बगैर ना पीर साहब को मलिया को दिखा दो। हाँ बाजी, ये जिन अगर लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं ना और उनका वक्त पर उतारा ना करवाया जाए तो ये जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ते। अम्मा मेरे चोट लग गई। ये क्या हुआ? कैसे लगी चोट? अम्मा वो मैं खेल रही थी, पता नहीं मैं जा रही थी कैसे लग गया। चलो मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। नहीं अम्मा, मेरी तकलीफ नहीं हो रही, डॉक्टर के जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। हमारी मासी ने सही कहा था, इस बच्ची पर साया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? बहन इसको घर में रखो, बाहर मत निकालो। चलो बेटा चलो, कहीं इसका साया तुम पर ना पड़ जाए। चलो तुम्हारे पापा को भी कॉल करो और चलो। मैंने कुछ दवाएं लिख दी, ये सुबह शाम बच्चियों को खिलाइए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मलिहा, मलिहा मेरी बेटी। अब्बू आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ बेटा मैं आ गया। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। 4 टाँके आए बच्ची को। 4 टाँके? मेरी बेटी को इतनी तकलीफ? मगर ताजुब की बात तो यह है कि 4 टाँकों के बावजूद बच्ची को जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। जी पापा मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी का रूहानी इलाज कराएं, और मुझे तो लग रहा है कि प्लीज डॉक्टर। थैंक यू। आओ बेटा आजा मेरे। आओ शाबाश। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब तो आपने देख लिया ना, अब तो डॉक्टर भी कह रहा है कि मलिया को आमिल को दिखाओ। क्यों नहीं तस्लीम कर लेते आसिफ आप कि मलिया पर बदरू का साया है? मैं कैसे यकीन कर लूं? अगर किसी बदरू का साया होता तो वो नॉर्मल कैसे रह सकती थी? उसकी डेली की एक्टिविटीज भी नॉर्मल होती हैं। सिर्फ चोट लगने पर ही पता चलता है कि किसी आसिफ का साया उस पर। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी बच्ची से जिन भूत चिपट जाए और उसकी जान ले ले तब यकीन आएगा तुम्हें? आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं? जितना आप लोग परेशान है ना उतना ही मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को तमाशा नहीं बनने दूंगा। किसी आमिल को नहीं दिखाऊंगा अपनी बेटी को, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा अपनी बेटी को। अरे क्यों मुश्किलात बढ़ा रहे हो अपनी बेटी के लिए? जो भी शय है ना अभी वो इस कदर हावी नहीं हुई है। अगर वक्त पे मैंने कहा ना, मैं अपनी बेटी को किसी आमिल के पास लेकर नहीं जाऊंगा। अभी भी थोड़े पाँव ऊपर करना। अभी मैं झाड़ पोछ करूंगी ना तो आपको उठना पड़ेगा। तुम हमेशा मेरी बहन के पीछे लगी रहती हो, जहां आकर बैठी है वहां से उठा देती हो। मलिहा, चाय बहुत गर्म हो रही है। अम्मी, अम्मी, देखिए मलिहा ने खोलती हुई चाय पी ली। आ रही हूँ। क्या हुआ? मलिहा ने खोलती हुई चाय पी ली। बाजी, इसने तो खोलती हुई चाय पी ली। ये अल्लाह। मलिहा, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ अम्मी। जबान दिखाओ। अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अम्मी, चाय में से बहुत धुआं निकल रहा है, फिर भी मलिहा ने एक ही घूंट में पी ली। अच्छा, जाओ बहन को लेके कमरे में। जी ठीक है, चलो। बीबी जी, मैं कह रही हूँ मलिहा को कहीं दिखा दे, ये जिन तो बहुत खतरनाक है। अगर इसने अपना कब्जा मजबूत कर लिया ना मलिहा पे, तो सारी जिंदगी इसकी जान नहीं छोड़ेगा वो। तुम ठीक कह रही हो शन्नू, लेकिन आसिफ नहीं जाएंगे कभी भी। अरे छोड़े ऐसे मर्दों को, ये लोग तो ऐसे ही बोलते। बाजी, अगर आप वाकई अपनी बेटी की जिंदगी चाहती है ना, तो चले मेरे साथ। ठीक है, चलूंगी। बाजी, 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 आसिफ खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। नहीं, कोई बात तो है। बताओ क्या बात है, आज तुम लंच पर भी नहीं आए? यार, वो मेरी छोटी बेटी काफी दिनों से बीमार है। क्या हुआ, खैरियत? मेरी बेटी को किसी तकलीफ का एहसास नहीं होता। मतलब यह कि कोई कट लग जाए या हाथ पर कोई गर्म चीज गिर जाए तो उसे दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल सी रहती है। यानी कि तुम ये कह रहे हो कि उसे किसी भी तरह की चोट लग जाए, कोई भी कट लग जाए, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती? नहीं सर, आप उसको किसी आमिल बाबा या मेरा मतलब है उस पर कोई बदबू का साया वगैरह तो नहीं? घर वाले भी यही कहते हैं, मगर मैं नहीं मानता। लेकिन तुम किसी बाबा और आमिल के चक्कर में मत पड़ना। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ, सामने आ जाओ। थैंक यू। शाहान, इधर आओ। वहां मत खेलो। आशा, इधर आओ। मना किया ना इसके साथ खेलने को। अरे बहन, क्या हो गया? बच्चे हैं, आपस में खेलते ही हैं। आप अपनी आसेब ज़दा बेटी को ना घर के अंदर ही रखें, बाहर मत लाया करें या फिर किसी पीर वगैरह को दिखाएं जाकर। क्यों दूसरे बच्चों की जिंदगी अजाब की हुई आपने? आपको कितनी दफा मना किया कि अपनी बच्ची को हमारे बच्चों से दूर रखें, नहीं तो किसी डॉक्टर वगैरह से इलाज करवाएं। पता नहीं कैसे लोग हैं, बच्चों की तो फिक्र ही नहीं है। खुदा के वास्ते दूसरे बच्चों पे रहम करें। चलो बेटा। सच है, बाबा जो बताए वो सच है। बाबा सारी सूरत हाल बता दी है मैंने आपको, बस हमारी मुश्किलें दूर कर दो। ठीक है। बच्ची को मैंने दम कर दिया है। इस तावीज़ को पानी में मिलाकर रोज़ाना रात को मगरिब की नमाज के बाद घर के चारों कोने में छिड़कना है। ये लीजिए पापा, मेरी बच्ची तो ठीक हो जाएगी ना? तुम्हारी बेटी को हशरात ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, चिल्ला काटना होगा जो बहुत मुश्किल है। 2 दिन के बाद आना, सब तफसील से बता दूंगा। बस बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दो। बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं आपकी। सब ठीक हो जाएगा, इत्मीनान रखो। हक बाबा, सच बाबा। बाजी पैसे आप लोग भी जाए घर, मैं भी जाती हूँ, मेरा घर वाला आ गया होगा। अम्मा मुझे वहाँ क्यों लेकर गई थी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? लेकिन तबीयत तो डॉक्टर ठीक करते हैं। अरे वो डॉक्टर से ज़्यादा काबिल है। अब देखना मेरी बेटी कितनी जल्दी ठीक हो जाती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अम्मा आप परेशान, आपकी दुआएं ना सब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो अलामतें आप बता रहे हैं मेरी तो समझ से बाहर है। मैंने ऐसा केस पहले कभी हैंडल नहीं किया। बहरहाल मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं इनको, आप इन्हें खिला के देख लीजिए। देखिएगा मतलब जब आप मुतमईन नहीं, फिर दवा किस मर्ज की दी आपने? वो मैंने अंदाज से इन्हें कुछ दवा दे दी है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आप मेरी बात सुकून से सुनिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? डिग्री विग्री भी है आपके पास? बड़ा नाम सुनकर आए थे आपका, बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे। चलो सोफिया। अरे डॉक्टर की बात तो सुन ले। मैंने कहा ना बस फौरन चलो। उठो बेटा मलिया, डॉक्टर बने बैठे हैं यहाँ पर। चलो शाबाश। मैं आ गई। जब डॉक्टर की बात माननी नहीं थी तो क्या जरूरत थी उसे क्लिनिक लेके जाने की? बेवकूफ नहीं तुम्हारी तरह, मैं हर काम को सोच समझ के करता हूँ। तुम क्या समझती हो अपनी बेटी को मैं जाहिलों की तरह ऐसे डॉक्टरों के हवाले कर दूं? अच्छा अगर इसी तरह सोचते रहे ना तो बच्ची मजीद बीमार होती रहेगी। बस तुम तो ये चाहती हो कि किसी तरह अपनी बेटी को मैं उस आमिल की झोली में डाल दूं। ठीक है जैसा दिल करता ना वैसा करो। जाओ जाओ। बोतल तावीज वाली लाइए ना। जी अम्मा ये देखो तावीज डाला हुआ है। हाँ ठीक है। आसिफ सो गया? जी अम्मा। अच्छा देख जो भी करेगी ना आसिफ को नहीं पता चले बस। जी अच्छा। तो ऐसा कर, चुल्लू में पानी ले और कोने कोने में ये पानी डाल दे, मैं आसिफ पे नजर रखती हूँ। ठीक है। ना मुझे मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाना, हम दोनों खूब मज़े करेंगे। लेकिन मेरी अम्मी मुझे रोज़ देर तक नहीं जागने देती रात को, मगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना। और तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरी जो पहले बेस्ट फ्रेंड थी ना, अब तो तुम हो ना, उससे ना मेरी लड़ाई हो गई थी। उसने मेरा पेन चुरा लिया था स्कूल में से। अम्मा। हाँ बेटा आ रही हूँ। पता है, जो मेरी पहले बेस्ट फ्रेंड थी ना, उससे मेरी लड़ाई हो गई। उसने मेरा लंच खा लिया था और जब मैंने टीचर को बोला तो मुझसे कटती हो गई। हिना बेटा, मैं आज तुम्हें कुछ समझाने के लिए आई हूँ। तुम अपनी बहन मलिया से दूर रहा करो, क्योंकि उसका उतार हो रहा है। ऐसा ना हो जिन वहां से उतर के तुम्हारे पास आ जाए। अल्लाह ना करे दादी, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? अरे कहीं मत जाओ, यहीं रहो। आयतल कुर्सी पढ़ो और अलम शरीफ कसरत से पढ़ा करो। आओ मैं तुम्हारा इशार करता। कब तक ठीक होगी मलिया? क्या कह रहे हैं पीर साहब? बेटा देखो, आज लेकर जाएंगे मलिया को पीर साहब, फिर 40 दिन का चिल्ला काटेंगे। उसके बाद कहीं जाके वो कमबख्त बदरू मलिया के जिस्म से अलग होगी। कब कैसे आ गया ये साहब, पता नहीं चला। अरे मेरी बच्ची, ऐसी बातों का कब पता चलता है, जब हो जाती है तब पता चलता है इंसान को। भाई हमारी दादी तो कहती थी बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, बच्चियों को मगरिब के वक्त फौरन अपने घर में आ जाना चाहिए और बाल नहीं खोलने चाहिए और ना कोई खुशबू लगानी चाहिए। दादी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं मेरा बच्चा, डरने की क्या ज़रूरत है। बस तुम अल्लाह का कलाम कसरत से पढ़ती रहो। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है मेरा बच्चा। बाबा तुम तो कह रहे थे इन 2 दिनों में हशरात जोन नहीं पकड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बच्ची की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। शन्नो तू तो कह रही थी सब ठीक हो जाएगा, मुझे तो ये 2 नंबर पापा लग रहा है। मैं इसकी कंप्लेन जरूर करूंगी पुलिस में। अरे नहीं अम्मा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पापा जो कह रहे हैं सुन तो लो। पापा को चलाना चाहेगा। अरे चलान में आती है तो आ जाए। मैं किसी पापा वापा से डरती नहीं हूँ। मैं इसकी शिकायत जरूर पुलिस में करूंगी। हकू, बच्ची पे एक ऐसा अमल करना पड़ेगा जिससे तमाम जिन्नात उतर जाएंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चले जाए। बच्ची को इस कमरे में ले जाओ। बाबा, उसके बाद तो मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। हकू 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 थोड़ा सब्र। क्या होगा? चलो बहुत देर हो गई, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, चला देख क्या है। बाजी मलिहा ठीक हो जाएगी, थोड़ा सब्र रखें। नहीं चलो बहुत देर हो गई, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, चल हम देख कर आए। चलो बेटी, मेरी बेटी, उठ, उठना क्या हो गया? उठना, ये तो बेहोश हो गई। अम्मा देखो ना क्या हो गया। उठना, अम्मा देखो ना। अरे यार ये बाबा का बाबा ने हाँ ठीक है, मैं मालूम करके बताता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। हाँ भाई आसिफ, अब तो सारी बातें क्लियर हैं। देखो भाई, तुम्हारी बेटी का इलाज जो है वो मेडिकल में मौजूद था और मेडिकल के जरिए ही हो सकता है, ना कि किसी पीर फकीर आमिल बाबा के जरिए। तो अच्छा हुआ कि तुम किसी पीर फकीर के पास नहीं गए, वरना सिवाय बेवकूफ़ बनने के और कुछ भी नहीं होता। अच्छा एक काम करो, आज ही उसे हॉस्पिटल ले जाओ ताकि उसका चेकअप तो हो सके। शुक्रिया यार, तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। शुक्रिया की क्या बात है यार, तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे इसका जिक्र कर दिया, वरना हो सकता है किसी आस्थाने में बैठे होते तुम भी। घर से फोन। हेलो व्हाट, तुम उसे लेकर क्यों गई? तुम्हें मैंने मना किया था ना। अच्छा कहाँ? हाँ हाँ ठीक ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक तो है यार, मुझे जाना होगा। बताओ तो सही बात क्या है। अरे यार घर वाले बच्ची को किसी आमिल के पास ले गए थे और वो बेहोश पड़ी है। मैं चलता हूँ यार। अच्छा एक काम करो, तुम उसी हॉस्पिटल ले जाओ उसे, मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ। ठीक ठीक है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू यार। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक पेशेंट भेजा है मैंने आपके पास। आप लोग इसको लेकर क्यों गए थे आमिर के पास जब मैंने मना किया था? ये बेहोश कैसे हुई? वो मुझे नहीं पता, आमिर इसको कमरे में लेके गया, उसके बाद ये बेहोश हो गई थी। अरे रो तो मत, चुप हो जाओ। कितना मना किया था मैंने, मगर तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। धुएं और सफोकेशन की वजह से मलिया बेहोश हो गई थी, अब बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज बाहर तशरीफ रखिए, मैं आता हूँ। हाँ भाई मलिया, अब बताइए। अच्छा बेटा, अब देखें डॉक्टर अंकल आपसे कुछ पूछेंगे, आपने बिल्कुल सही से बताना है, ठीक है? गुड गर्ल। अच्छा अब ये बताइए डॉक्टर अंकल, आपके यहाँ पे आपको कुछ महसूस हो रहा है? कुछ चुभन सी महसूस हो रही है? नहीं? अच्छा ठीक है, ये दूसरे पैर में बताइए। नहीं? ठीक है बेटा इधर बताओ, इधर भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो दिखाइए, सुई चुप तो नहीं रही है जोर से? नहीं हो रही। अच्छा इधर बताएं, इधर आपको कुछ महसूस हो रहा है? और इस वाले हाथ में इधर? ठीक है। मैंने आपके बच्चे का प्रॉपर्ली चेकअप किया, उसकी मसल टेस्टिंग भी किया और कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बच्ची को कंजेनाइटल एनर्जेसिया है। इस बीमारी में दर्द या कुछ भी महसूस करने की सलाहियत होती ही नहीं। हैरत की बात तो ये है कि उसकी इनर बॉडी में इन्फेक्शन भी है और इंजरीज भी मौजूद हैं, जिसका अंदाज़ा आपको तो क्या खुद उसको भी नहीं, और वो खेल कूद में मगन थी। मगर डॉक्टर, मेरी बेटी को ये बीमारी किस तरह? आप लोग एक काम करें, मेरे साथ आइए प्लीज़। देखिए ये बीमारी बहुत रेयर है, बाय बर्थ या जेनेटिकली होती है। मेरे 20 साल कैरियर में ये तीसरा केस आया है। एक लड़के का केस तो इतना ख़तरनाक आया था कि उसकी बॉडी में मल्टीपल इन्फेक्शंस और इंजरीज थी और वो खुद चलकर आया था। उसके घर वाले डर से उसे पीरों फकीरों के पास ले गए थे। इसका इलाज मुमकिन है डॉक्टर? बिल्कुल मुमकिन है। मेडिसिन्स के ज़रिए इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन हम इसका इलाज इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। फिलहाल हम इन्फेक्शन और इंजरी का इलाज करेंगे। आप लोग चाहें तो परसों तक अपनी बच्ची को यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं पहले पूरा चेकअप करूँगा, उसके बाद ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करूँगा। इंशाल्लाह जल्दी फ़र्क पड़ेगा। बहुत ही डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची तो ठीक हो जाएगी ना? इंशाल्लाह।